बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो ये लेक्चर है ये एफएससी फिज़िक्स, एफएससी सेकंड ईयर फिज़िक्स, चैप्टर वन, और सेकंड ईयर में चैप्टर 12 होगा। ये मेरा जो टॉपिक है वो है इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या है? प्रिंटर वो डिवाइस है जो कि किसी भी जो सॉफ्ट फॉर्म है किसी भी डॉक्यूमेंट की, इसको हार्ड फॉर्म में या हार्ड कॉपी की फॉर्म में या एक पेज के ऊपर उस इमेज को, उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देता है, प्रिंट कर देता है। ठीक है, यानी वो सॉफ्ट फॉर्म में से हार्ड फॉर्म में हम उसको ले आते हैं पेज। उसके लिए आप डिवाइस यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंटर। अब इंक जेट प्रिंटर जो है, इंक जेट प्रिंटर जो है वो प्रिंटर है दैट प्लेसेस वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन पेपर। ये पेपर पे वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक क्या करता है, पेपर के ऊपर वो ड्रॉप करता है, प्लेस करता है पेपर के ऊपर, जिससे इमेज जो है वो फॉर्म होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एज अ वर्किंग के तौर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज़ करता है। ये एप्लीकेशन किसकी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, ज़ाहिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ करता है इन ऑपरेशन। इंकजेट प्रिंटर इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की ये एक एप्लीकेशन है। अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। प्रिंसिपल है कि व्हेन चार्ज व्हेन चार्ज पार्टिकल्स, जब भी चार्ज पार्टिकल्स हैं पास थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे, दे विल बी डिफ्लेक्टेड, वो एक डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये इसका प्रिंसिपल कि जब भी चार्ज पार्टिकल पास थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरेंगे, फर्ज करें अगर पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है और जो फील्ड है दैट इज़ एस्टेब्लिश बाई टू पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है या नेगेटिव है, अगर जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब गुजरेगा तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव प्लेट है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल है। आगे इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले इसका जो प्रिंट हेड, सबसे पहले जो इसका मेन पार्ट है वो है इसका प्रिंट हेड। प्रिंट हेड, इसका जो प्रिंट हेड है, फिक्स से देखें, प्रिंट हेड जो है वो एक नोज़ल पे मुश्तमिल होता है। एक प्रिंट हेड क्या है, वो एक नोज़ल पे मुश्तमिल होता है, और जो नोज़ल है प्रिंट हेड जो है, यहाँ पे देखें, वो नोज़ल पे मुश्तमिल है, और इसके साथ एक पंप है जो इंक को पंप करता है इनटू द नोज़ल के अंदर। प्रिंट हेड एक नोज़ल पे मुश्तमिल है, नोज़ल और एक पंप है, पंप जो है वो इंक को, इंक सप्लाई से वो पंप करता है एक प्रेशर के साथ नोज़ल के अंदर। जब नोज़ल के अंदर प्रेशर के साथ जाती है तो यहाँ से वो नोज़ल से एक जेट की फॉर्म में, एक बहुत स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो एक स्ट्रीम बनती है जो कि
फ्लो करती है एक डायरेक्शन में, तो ड्रॉपलेट्स फ्लाई ऑफ करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, ये प्रिंट हेड। दूसरा है वो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। नंबर टू डिफ्लेक्शन, पहले हम बात कर लेते हैं नंबर टू चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ये यहाँ पे दो ऐसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इनका काम क्या है कि जब ड्रॉपलेट्स इनसे गुजरते हैं पास थ्रू दीज चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, तो ड्रॉपलेट्स पे एक नेट चार्ज जो है वो आ जाता है। तो इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या काम है कि जब ड्रॉपलेट्स नोज़ल से फ्लाई ऑफ करते हैं, जब वो इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से गुजरते हैं, तो यहाँ से ये चार्ज हो जाते हैं। अब जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको आगे जो है एक कंट्रोल के साथ अटैच किया होता है, एक यहाँ पे एक कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम है जिसको जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर इसको कंट्रोल करता है कि कब आपने इसको स्विच ऑफ करना है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, कब आपने स्विच ऑन करना है, वो ये कंट्रोल इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। चार्जिंग तीसरा हिस्सा जो है, तीसरा पार्ट जो है वो है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स, अब ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स अगर चार्ज होकर गुजरते हैं, यहाँ पे आपने कंट्रोल से इसको स्विच ऑन किया हुआ है, ठीक है, स्विच ऑन किया हुआ है, तो अगर ये चार्ज होकर जाते हैं आगे, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन दैम। तो प्लेट्स के दौरान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से गुजरते हैं, अगर ड्रॉपलेट्स पे एक चार्ज है, तो ये एक डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। क्यों? फ़र्ज़ करें अगर चार्ज पार्टिकल्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है, ये नेगेटिवली है, तो ड्रॉपलेट्स जो है पॉजिटिव से रिपेल होकर नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और वो सीधा जाने की बजाय वो गटर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। नंबर फोर गटर, गटर का काम क्या है, गटर जो है वो वेस्ट, जो इंक वेस्ट है उसको जो है वो कलेक्ट करती है, प्लस इंक वेस्ट को कलेक्ट करती है। मतलब जब पेपर के ऊपर ड्रॉपलेट्स नहीं गिरते, कब, जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड से कंट्रोल ऑन होता है, तो ड्रॉपलेट चार्ज होके जाते हैं, जब वो पेपर पे नहीं गिरते तो वो गटर में गिरते हैं, तो वहाँ पे इनको वेस्ट को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ये इसके कंस्ट्रक्शन। आगे हम बात करेंगे वर्किंग की, कि ये वर्क जो है वो कैसे करता है। अब वर्किंग में देखें, वर्किंग में कि जब प्रिंट हेड जो है पेपर के ऊपर शटल करता है, यानी शटल्स बैक एंड फर्थ का मतलब क्या है कि ये पेज है, पेज के ऊपर जो प्रिंट हेड है वो आगे पीछे इस तरह मूव करता है, इसे कहते हैं शटल्स बैक एंड फर्थ। जब प्रिंट हेड जो है बैक एंड आगे पीछे शटल करता है, मूव करता है उसके ऊपर, पेपर के ऊपर, तो जो पंप है इनको वो प्रेशर से पंप करती है, और नोज़ल से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्लाई ऑफ करते हैं एक्सट्रीम की फॉर्म में, क्योंकि जो बहुत प्रेशर से नोज़ल से निकलते हैं, तो ये बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं और एक डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लाई ऑफ करते हैं, ठीक है। और वो जो प्रिंट हेड है वो स्ट्रीम ऑफ इंक को एजेक्ट करता है, और वो एक एंड जो शटल बैक कह दें, शटल्स बैक एंड फर्थ
प्रिंट हेड जो है शटल्स बैक एंड फॉर्थ, तो साथ ही ड्रॉपलेट्स जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, जब ये ड्रॉपलेट्स चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से गुजरते हैं, व्हेन दे पास थ्रू दी चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो या इसका स्विच ऑन होगा या ऑफ होगा। जब इसका स्विच ऑन होगा तो ये ड्रॉपलेट्स जो यहाँ से गुजरेंगे, ये इन पर एक नेट चार्ज आ जाएगा, तो ये ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाएंगे। जब चार्ज हो जाएंगे, नंबर वन जो था वो हम बात कर रहे थे, नंबर टू अब हम बात करें चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का क्या काम, ये कैसे वर्क करता है। देखिए, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के थ्रू जब ड्रॉपलेट्स गुजरते हैं तो वो चार्ज कर देता है इनको, अगर स्विच ऑन है तो। जब चार्ज कर देता है तो वो यहाँ से चार्ज होके आगे बढ़ते हैं, अगर स्विच ऑफ होगा तो इन पे कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, ड्रॉपलेट्स न्यूट्रल होंगे और वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स की तरफ। नंबर थ्री, जब वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स की तरफ जाएंगे, पास करेंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, तो क्या काम है डिफ्लेक्शन प्लेट्स का, क्या फंक्शन है कि जब पार्टिकल्स जो है ड्रॉपलेट्स जो हैं वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स के थ्रू गुजरते हैं तो क्या होता है, अगर तो ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स इन ड्रॉपलेट्स को कटर की तरफ क्या कर देती हैं, डिफ्लेक्ट कर देती हैं। लेकिन अगर स्विच ऑफ है डिफ्लेक्शन प्लेट्स का तो ये न्यूट्रल होकर गुजरेंगे, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिफ्लेक्शन प्लेट पर, इन पर कोई भी असर अंदाज नहीं होगा और ये सीधे डायरेक्शन में पेपर के ऊपर जाके फॉल करेंगे। इस तरह जब आप चाहते हो कि ड्रॉपलेट्स पेपर के ऊपर फॉल करें, तो जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड स्विच ऑफ होगा, जो ड्रॉपलेट्स होंगे विदाउट चार्ज न्यूट्रल होंगे, वो डिफ्लेक्शन प्लेट से विदाउट डिफ्लेक्शन वो पास करेंगे और पेपर के ऊपर फॉल करेंगे। लेकिन जब हमने इंक को पेपर के ऊपर फॉल नहीं करवाना, तो वहाँ पे क्या होगा, ये स्विच ऑन होगा, ड्रॉपलेट्स चार्ज हो जाएंगे, यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर वो पेपर की बजाय गटर के ऊपर गिरेंगे। इस तरह एक इमेज जो है, जो ड्रॉपलेट्स पेपर के ऊपर कब गिरने हैं कब नहीं गिरने, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है कि एक फिर एक इमेज जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। अब कब गिरना है कब नहीं गिरना है, इसका मतलब क्या है कि जब फ़र्ज करें हमारे पास ये पेपर है, अब इस पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए लिखा हुआ है, लेट्स से फ़र्ज करें, तो जब प्रिंट हेड है जो आगे पीछे मूव करता है, जब तो यहाँ तक जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे आपने कोई भी इंक पेपर के ऊपर फॉल नहीं करवाना, लेकिन जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो हमने यहाँ पे इंक पेपर के ऊपर फॉल करवानी है। तो जब प्रिंट हेड है मूव कर रहा होगा यहाँ तक, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन रहेंगे और जो इंक ड्रॉपलेट्स हैं वो गटर में गिरते रहेंगे, लेकिन जब यहाँ आएंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ड्रॉपलेट्स को स्विच ऑफ हो जाएगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो हैं अब ड्रॉपलेट्स को चार्ज नहीं करेंगे, वो न्यूट्रल होंगे, वो सीधे पेपर के ऊपर जाके गिर जाएंगे। फिर इसके बाद फिर दोबारा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स स्विच ऑन होगा और वो चार्ज करते रहेंगे, और यहाँ से इंक जो है वो गटर में गिरती रहेगी, पेपर के ऊपर नहीं गिरेगी। जब वापस आएंगे यहाँ पे तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स दोबारा ऑफ हो जाएंगे, स्विच ऑफ हो जाएगा, इनका कोई भी ड्रॉपलेट्स चार्ज नहीं होंगे, और अब यहाँ पे सीधी ड्रॉपलेट्स पेपर के ऊपर गिरेंगे। इस तरह वो आगे पीछे मूव करते रहेगा, कहाँ पे इंक हमने पेपर के ऊपर प्लेस करनी है कहाँ नहीं करनी। इस तरह एक पैटर्न से हम एक इमेज जो है या एक फिग जो है वो या एक राइटिंग फॉर्म में डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हम कर लेते हैं, एक पेज जो है प्रिंट आउट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।